सीरीज जॉनसन विलियम एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो यार आज का कुछ सीन यूँ है, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। आज है मेरी बेबी के वो गंजा होने की रस्म है, तो वो अभी करने लगे हैं। नाई साहब भी आ गए हैं, हमारे कज़न ही है वो, नाई भी है, वो काम करते हैं, हेयर ड्रेसर हैं। तो मैंने उसको इन्वाइट किया हुआ, तो भाई आपने आना, वो आ गए हैं अभी। अभी बेबी का गंजा होगा तो वो मैं ब्लॉग में शूट नहीं करूँगा, मना किया हुआ हमारे बड़ों ने, माँ पापा ने, तो इसीलिए। सो ये है कि बाकी पूरे फंक्शन को आपको ऐड करेंगे, दिखाएंगे, बरसात जुड़े रहेगा। चलिए नाई से थोड़ा सा हेयर ड्रेसर से बात करते हैं। भाई हेयर ड्रेसर आ चुके हैं, बेबी को उन्होंने अपने पकड़ लिया है, और मेरी दादी ने, अम्मा ने उनको बिठा लिया गोद में, अभी करने लगे हैं। मैं आया हूँ कुछ उनके लिए लेने, जो उनको देते हैं गिफ्ट के तौर पर। तो अभी अपने रूम में आऊँ, वो लेते हैं जो भी उसका गिफ्ट है हेयर ड्रेसर का, तो फिर चलते हैं नीचे वापस। क्योंकि भाई ये खुशी जो है ना, ये खुशी आपको बता नहीं सकता, ये खुशी अलग ही होती है। आप पापा बन गए हैं, आपकी बेबी अल्लाह की रहमत आ गई है, खुदा की रहमत है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, मेरी ज़मीन पे पाँव नहीं लग रहा। ये रहा भाई गिफ्ट, अम्मी ने पहले से ही लिया हुआ था, जो हमने हेयर ड्रेसर को अपने देना है, जो बेबी का हेयर ड्रेस करने आया है उसको ये हम देंगे ड्रेस। और बेबी के भी निकल रहे हैं, निकाल रहे हैं बेबी के भी जो भी है सब कुछ, उनको भी नहा के फ्रेश होकर तो चेंज कराएंगे। ये क्यों निकाला सब अम्मी, ये क्या है, ये क्यों निकाला? इसमें नहाएगी? वाह भाई वाह। और ये दो के फूल फैलाने सही। मैं भी जा रहा हूँ नीचे, अम्मी ले आएंगी सामान सब निकाल के, नीचे चलते हैं। हाँ जी हेयर ड्रेसर साहब जी, कितने पहले आपने गंजे कर लिए? बहुत सारे किए, बहुत सारे किए सही। अभी हमारी बेबी का गंजा करना, जरा तरीके से करना, बड़े प्यार से जी। ये उस्ताद हैं आपके या शागिर्द हैं? ये उस्ताद हैं असल में, ये इनका शागिर्द है, लेकिन बड़ा से तरीके से जो है ना रखा हुआ शागिर्द। भाई ये देखिए डेकोरेशन का हाल ये हो गया, आज प्रोग्राम है तो अभी इसको ऐसे चलाएंगे, ऐसे इसको सेट करते हैं थोड़ा सा बस। अभी उतरने वाली है हमारे बेबी के गंजी होने वाली है, दादी बैठी हुई है हमारी, अम्मा बैठी हुई है, ये हेयर ड्रेसर जो हमारा कज़न है पप्पो का बेटा है, और ये भी जो है इसका शागिर्द है। हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ जी, तो भाई बेबी का अभी टिंड हो गई है, बेबी को गंजा कर दिया है, बड़ी क्यूट लग रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। गॉड ब्लेस यू माय बेबी। अभी जो है मामा ले गई हैं उसको अपने रूम में, और रूम थोड़ा बंद है उनका, अम्मी लोगों का, तो अभी वो अपने रूम में उनको निला रही हैं। तो अभी वो बेबी को निलाएंगे, तो उसके बहाद फिर सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सब पूरे हैं, अभी इनको निलाया जाएगा। अभी हम लोगों के साथ सीन क्या हुआ, हम गए हुए थे सैलून, मैं और साहिल दोनों, हम लोग गए सैलून, वहाँ पे हम लोगों ने कहा चलो यार थोड़ा खतरत करवाते, कटिंग वटिंग कराते हैं, आज स्टूडेंट में प्रोग्राम है, तो थोड़ा जो है ना हम भी थोड़ा अपनी सेट करवा लें सब कुछ। वहाँ गए जैसे ही तो कॉल आ गई है वाइफ की कि भाई जल्दी आ जाओ, दानिश आ गया कज़न है हमारा, वो हेयर ड्रेसर जो है जिसने गंजा करना था वो आ गया। जैसे ही वो फिर हम जाके सिर्फ बैठे हैं और भाग कर फिर वापस आ गए। अभी फाइनली जो है वो गंजा हो गया, टिंड हो गई है, तो अभी अम्मी ने ला दसवीं। हाँ तो अभी हम आए हुए थे, बेबी को निला विला के अम्मी ने अभी निला दिया था, अभी हम आए हुए थे ऑर्डर करने के लिए मिठाई का, मिठाई को ऑर्डर कर दिया है। और ये मैंने भाई को बोला यार अभी थोड़ा सा ब्लॉग बनाना है तो मुझे वीडियो बनाओ, तो अभी मिठाई का ऑर्डर भी कर दिया है, अभी मिठाई का ऑर्डर करके अभी वापस हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, और बेबी भी ना के सो गई हैं। तो अभी हम चलते हैं अभी अपना दोबारा सैलून, हम भी थोड़ा सा कटिंग वटिंग करवाते हैं, तो फिर देखते हैं। तो गाइस बहुत सारे काम निपटा लिए हैं फाइनली मैंने, और कुछ काम रह गए हैं, वापस आए अपने फ्लोर पे ऊपर। ये है कि अपना थोड़ा ग्रूमिंग करवा ली है, और छोटी सी एक टेंट लगाया बाहर ताकि अगर आवाम अंदर ज़्यादा हो जाती है लेडीज़ वगैरह तो जेंट्स सब बाहर बैठ सके। छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन अरेंजमेंट करना पहले से लाजमी होता है। अभी चले अपने कपड़े निकालते हैं,
और देखते हैं हमने क्या पहनना है। सब कुछ तो रेडी हो गया, अभी छोटा भाई जा रहा है, अभी उसके पास तो वो कपड़े वगैरह प्रेस करवाने का नहीं पास की, तो मैंने कहा चलो हम भी निकाल के देते कि हमने क्या पहनना है, डिसाइड कर। तो ये कुछ कलेक्शंस मैंने निकाली हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये महरूम पहनूँ या ये मेरी न्यू शर्ट है, मैंने अभी तक नहीं पहनी, ये पहले पहनी, ये मैंने पहनी हुई है, ये पहन लेता हूँ, ये मैंने नहीं पहनी पहले, और ये बेस्ट रहेगी इसके साथ। सो ड्रेसिंग तो मेरी डिसाइड हो गई है, ये मेरी बेस्ट एंड बेस्ट पैंट है, मुझे कलर बहुत पसंद है पैंट का, और इसके साथ ये मेरी जो है एक न्यू शर्ट है, अभी तक मैंने पहनी नहीं है, तो ये आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कलेक्शन में, तो ये आज पहनेंगे। रसम है बाहर जो होती है, मैं वीडियो बनाऊँगा। क्या कर रहे हो भाई, सब हो गए? हाँ भाई, बस हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए। हाँ, डालर के दे रहे हैं बस, बाकी देखे कहाँ हैं? बस एक तो खत्म हो चुकी है, ठीक है, दूसरी को देंगे। ठीक है, सब हो गए? सब हो गए। तो कैसा रहा? चलो चलो, क्या किया हुआ भाई, देखते हैं आप। अभी तक जो है वो सारे मामला जो है वो बैठे हुए हैं, मेहमान वगैरह भाई सब जो है वो बैठे हुए हैं, हमारे अंकल वगैरह जो भी हैं सब।